सकते हो। ये जो पॉपअप कर रही है ना, जो बाकी गाड़ी आप ऐसे करोगे ना तो बंद हो जाती है। अब आप देखना, ये बंद ही नहीं होगी गाड़ी। किल स्विच आपको हीरो कंपनी प्रोवाइड नहीं करती, तो इनने i3s के साथ रिप्लेस करा है। तो लाइट वेट बाइक होने के कारण जो चलाने का मज़ा आ रहा है ना, ऐसे छोटी जगह से निकालने में बहुत ही कंफर्टेबल रहती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख सकते हो, आज हमारे साथ थे ऑल न्यू 2022 पैशन एक्सटेक, जो कि रिसेंटली अभी हीरो मोटोकॉर्प ने लॉन्च करी है। गाड़ी को चलाकर देखेंगे और डिटेल में आज हम इसके सारे स्पेसिफिकेशंस की बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो यार, मैं गाड़ी स्टार्ट करके आपको इसका फ्रंट लुक दिखा देता हूँ। पूरा LED सेटअप आप देख सकते हो, कितना ही अमेजिंग लगता है। बहुत ही बढ़िया फीचर्स के साथ इस बार फर्स्टिंग सेगमेंट फीचर्स के साथ इस गाड़ी को लॉन्च करा है। तो क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं चलाकर देखेंगे, इनिशियल पिकअप देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका पिकअप दिखाऊं। गाइस देख सकते हो, ये जो पॉपअप कर रही है ना गाड़ी, इसी से आप इसका पिकअप का अंदाज़ा लगा सकते हो। स्टार्ट करें इनिशियल पिकअप से, बहुत ही बढ़िया। देखो पिकअप तो 113 सीसी का इंजन है, उसके अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया, बट जो वाइब्रेशन है वो बिल्कुल भी नहीं है। मैं थ्रॉटल देकर दिखाता हूँ, कहीं भी ORVM पे आपको वाइब्रेशन नहीं दिख रहे। ये एक ऐसे सेगमेंट की बाइक है ना, जहाँ पर आप देखोगे ना तो TVS, बजाज और बहुत सी कंपनी से इसके कंपटीशन आते हैं, बट इस बार जो पैशन प्रो एक्सटेक लॉन्च करी गई है ना, फर्स्टिंग सेगमेंट फीचर्स के साथ मिलती है। सबसे पहले इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 113 सीसी का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक इंजन मिलता है, जो कि अराउंड 9.2 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, 9.78 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पावर फिगर सफिशियंट है, बट जो माइलेज इस बार आपको प्रोवाइड करने वाली है ना, वो बहुत ही बढ़िया, बिकॉज इसमें एक्सेंस टेक्नोलॉजी है, i3s टेक्नोलॉजी है, ऐसे बहुत से फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। दो वेरिएंट्स इसमें आते हैं, डिस्क एंड ड्रम। अभी मैं डिस्क वाला वेरिएंट चला रहा हूँ। ब्रेक टेस्ट कर लेते हैं गाइस एक बार इसके, तो मैं सिर्फ अभी आगे का ब्रेक दबाऊंगा, देखना आप। थोड़ी स्पीड इंक्रीज कर लेते हैं, अब मैं यहाँ पर ब्रेक टेस्ट करने वाला हूँ, सिर्फ आगे का दबाऊंगा। गाइस देख सकते हो, मैंने आगे का ब्रेक दबाया, दोनों कम्बाइनली ब्रेक लगे, बिकॉज इसमें IBS टेक्नोलॉजी मिलती है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। तो बिगिनर्स जो कोई सडनली आगे वाला ब्रेक या पीछे वाला दबाएंगे तो स्कीड होने जैसा कोई भी इशू नहीं आएगा, दोनों इक्वली अप्लाई होते हैं। अब पैशन प्रो एक्सटेक का सबसे बड़ा चेंज है इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। सामने ही आप देख सकते हो, फुल्ली डिजिटल दिख रहा है। अभी इतनी खतरनाक सनलाइट में भी आपको विजिबिलिटी इतनी अच्छी मिल रही होगी। तो इस बार क्या फीचर कंपनी ने प्रोवाइड करा है, इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। आपको इसमें अब SMS, कॉल अलर्ट जैसी सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाने वाला है, लो फ्यूल इंडिकेशन, जो भी नीडेड चीज़ें एक राइडर को पता होनी चाहिए सब आपको इस बार यहाँ पर मिलने वाली है। USB चार्जिंग पोर्ट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा है, तो आप में से कोई लंबी राइड जाते हो, डेली 100-150 किलोमीटर जाते हो, तो सिंपली आप यहाँ पर फ़ोन लगाकर चार्ज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक और चीज़ जो आपको मैं बताना चाहूँगा, ऑटो सेल टेक्नोलॉजी। लाइक अभी मैं बाइक को न्यूट्रल कर लेता हूँ, अब मैंने डाल दी सेकेंड गियर में, बाइक को मैं एकदम स्लो डाउन कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, और अब मैंने रेस छोड़ दिया यहाँ पर। जो बाकी गाड़ियाँ आप ऐसे करोगे ना तो बंद हो जाती है, अब आप देखना, ये बंद ही नहीं होगी गाड़ी। देख सकते हो गाइस, आप ऑटोमेटिक गाड़ी चलते जा रही है। ऑटो सेल टेक्नोलॉजी स्पेशली जो बिगिनर्स हैं ना, जो बाइक सीख रहे हैं उनकी, मतलब बहुत बार सिटी में आप चला रहे हो तो जो गियर चेंजिंग में गाड़ी बंद होती है ना, सिंपली आप स्पीड पर छोड़ दो, देखो अभी भी गाड़ी चल रही है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी। i3s टेक्नोलॉजी मिल जाती है, आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। अब इसे भी अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो इसमें क्या रहता है, आप अगर सिग्नल वगैरह पे हो ना, तो जैसा कि किल स्विच आपको हीरो कंपनी प्रोवाइड नहीं करती, तो इनने i3s के साथ रिप्लेस करा है। तो क्या है, सिग्नल पर आप आइडल पोजिशन पर न्यूट्रल करके छोड़ दो, 30 सेकेंड बाद गाड़ी बंद हो जाएगी। पहली बार में 30 सेकेंड लेती है, फिर 5-5 सेकेंड के इंटरवल में गाड़ी बंद हो जाएगी, फिर आपको जब भी स्टार्ट करनी है तो आपको सेल देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप ये क्लच प्रेस करोगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे कुछ यूनिक फीचर्स के साथ प्रोवाइड करी गई है। बट इस बार जो प्रोजेक्टर सेटअप आगे प्रोवाइड करा है ना, उसके बाद तो जो लुक आ जाता है गाड़ी का यार, वो तो एक नंबर है। कंक्लूजन की ओर भी हम आएंगे कि यार इस गाड़ी को लेना चाहिए कि नहीं, बिकॉज 110 सीसी में आपको प्लेटिना जैसे इसी की फैमिली से इसके कॉम्पिटिशन आते हैं। स्प्लेंडर हो गया, सिटी डिलक्स हो गए, इतने सारे कॉम्पिटिशन होने के बावजूद पैशन एक्सटेक के लिए जाना चाहिए कि नहीं, तो वो भी हम बात करेंगे। बट ओवरऑल देखो, बाइक का वेट है 118 किलो। तो लाइट वेट बाइक होने के कारण जो चलाने का मज़ा आ रहा है ना,
बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। हल्की बाइक आपको मालूम है सिटी पर्पज़ के लिए आप पीछे दो लोग भी बिठा रहे हो तो चलाने में बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाली है। 799 mm की इसकी सीट हाइट है, तो जो भी कोई शॉर्ट राइडर से वो इसको चला सकते हैं। भले ही आपके पैर पूरे नहीं टिकेंगे बट हल्की गाड़ी है तो आप समझ ही पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हल्की गाड़ी है तो चलाने में ऐसे छोटी जगह से निकालने में बहुत ही कम्फर्टेबल रहती है ये गाड़ी। सेकेंड गियर पर भी अमेजिंग टॉर्क ये गाड़ी प्रोड्यूस कर रही है। ओवरऑल मुझे इसका ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा लगा। 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसकी। बट अभी जैसे कि मैं सिटी में आ गया हूँ, आप देख सकते हो सिटी में चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। आप सबका इस गाड़ी पर क्या व्यू है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, बिकॉज स्प्लेंडर में भी एक्सटेक अभी रिसेंटली कंपनी ने निकाला है। तो स्प्लेंडर पैशन ऐसी गाड़ियाँ हैं ना जो एक हीरो का ब्रांड बनाने की, मतलब हीरो एक बड़ा ब्रांड सिर्फ इन्हीं गाड़ियों के कारण बना है। अब पैशन लास्ट 21 ईयर से ऑल ओवर वर्ल्ड सेल हो रही है और वह नंबर वन पे है 110 सीसी के सेगमेंट में, तो एक अलग ही लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है इस बाइक के साथ। और सस्पेंशन की बात करें तो देखो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक मिलते हैं, रियर में ट्विन शॉक मिलते हैं, तो सस्पेंशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एक और चीज़ है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। अब जैसे कि आपको जहाँ पर भी ऐसे ऑफ रोडिंग पैच आ रहे हैं ना, तो आपको टकराने जैसी तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर पीछे कुछ वेट ले जा रहे हो फिर भी, बिकॉज जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिलता है 180 mm का, तो इंडियन रोड्स के लिए तो यार मोर देन इनफ है। अगर आप कौन से हिली एरियाज पे रहते हो वहाँ भी आपको टकराने जैसा तो कोई भी इशू नहीं आने वाला है। अब आप बोलोगे तो इस पर मैं और भी कंटेंट लेकर आ जाऊँगा, बट यूँ भी हीरो मोटोकॉर्प का एक ऐसा ट्रस्ट बना हुआ है ना लोगों के बीच में, तो यूँ ही लोग गाड़ी, मतलब फीचर्स कंपनी प्रोवाइड करे या ना करे, लोग लेते ही है इस गाड़ी को। बट इस बार फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स कंपनी ने प्रोवाइड कर दिए, तो ये गाड़ी का जो अब कंपटीशन है ना वो और एक लेवल प्लस हो जाने वाला है। कंट्रोलिंग तो यार बहुत ही बढ़िया है। सो देखो ओवरऑल बेसिक चीज़ें तो मैंने आपको इस गाड़ी की सारी बता दी। अब बढ़ते कंक्लूजन की ओर कि पैशन को लेना चाहिए कि नहीं। तो गाइज अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी लेना चाहते हो जिसका लो मेंटेनेंस हो, इन फ्यूचर रीसेलिंग अच्छी मिले, और एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो आप 10-12 साल देखना ही नहीं चाहते हो, तो फिर पैशन से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए नहीं रहने वाला है। बजट के थोड़े इशू आए तो आप स्प्लेंडर एक्सटेक के लिए भी जा सकते हो, बट पैशन और स्प्लेंडर में एक बेसिक डिफरेंस क्या है पता है? लुक तो हो ही गए, एक सीट हाइट का भी बड़ा डिफरेंस है। जो कोई शॉर्ट राइडर्स है ना वो स्प्लेंडर को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, बट पैशन का जो अब एक लुक है ना, पहले एक पैशन बहुत ही सिंपल गाड़ी लगती थी, बट अब आगे से एक स्पोर्टी फील वाली गाड़ी बना दी गई है। ओवरऑल तो देखो मैंने आपको सारे स्पेसिफिकेशन बता दिए। कैसी लगी वीडियो एक बार कॉमेंट में ज़रूर शेयर करना, एंड कुछ भी डाउट हो तो आप भेज दिया कॉमेंट में पूछ सकते हो। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।